प्रदेश में हो रहे महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। खातेगांव में महिला कांग्रेस ने महिला अपराधों के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला और प्रदेश सरकार की आलोचना की। मध्य प्रदेश में महिला अपराधों के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर आ गई है। देवास जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष संगीता सुनील यादव के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर बेटियां एवं बहनों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। कैंडल मार्च की शुरुआत जवाहर चौक स्थित माताजी के पंडाल से हुई। कैंडल मार्च के जरिए कांग्रेस ने प्रदेश में महिला सुरक्षा के मुद्दों को उठाया है। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष संगीता सुनील यादव ने कहा, पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश है। मध्य प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध और रेप बलात्कार की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। ऐसे में प्रदेश की सरकार कुंभकर्णी निंद्रा से सोई हुई है। क्या प्रोग्राम था? आज हमारा प्रोग्राम था राष्ट्रीय अपराध अध्यक्ष हमारे जी के आवास हमने प्रदर्शन किया है, जो कि आए दिन मध्य प्रदेश में आए दिन बच्चों का बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं का हो रहे हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माता रानी, इन राक्षस रूपियों को सत्य दे ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। बच्चों पे अत्याचार हो रहा है, इसको हम महिलाओं को जागरूक करने के लिए ये आयोजन रखा है। कैंडल मार्च के दौरान बताया गया है कि महिलाओं को अत्याचार, हम आप समाज को, हमको आपको हम सबको समाज के सामने आना पड़ेगा और बच्चियों पर जो अत्याचार हो रहा है उनको रोकना पड़ेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।